तो दोस्तों पहुंच चुका हूं, काफ़ी जल्दी पहुंच गया वैसे। ये देखिए धूप जो है हल्की सी आई हुई है, वो भी चेहरे पे पड़ रही है। और मौसम देखिए अच्छा होने वाला है, मतलब दिन में आज खूबसूरत मौसम होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी गाड़ी को धो रहा हूँ, काफ़ी महीने हो गए, दिन नहीं काफ़ी महीने, टाइम भी नहीं हो पाता था, इधर उधर जाता था ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन आज उसको धोते हैं। ये देखिए कितनी गंदी हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं मेन हाईवे में आ चुका हूँ, नैनीताल बरेली वाली रोड ये है, और यहाँ पर ट्रेन्स का ऊपर वाला स्टोर है, भोटिया पड़ाव इस लोकेशन को कहा जाता है। और मैं जा रहा हूँ अभी हीरानगर, रिलायंस ट्रेन्स का नया वाला स्टोर। और मैंने सोचा कि आज एक जॉब टूर रोड बाय रोड कराता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो है ऊपर वाली रोड से जाता हूँ, मतलब पीछे वाली रोड से, आगे वाली रोड का नज़ारा मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस रोड से आज जाया जाए और आपको लोकेशन दिखाया जाए। काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट है, हाईवे है, मेन रोड है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन आपको देखने को मिल रही होगी। तो राइड में फिर उसके बाद बाइक के साथ मोटर ब्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो इस वजह से। और ये देखिए ये एरोप्लेन है एक छोटा सा, और रोड के बीच में आप देख सकते हैं दीवार, ये इस टाइप के गमले लगे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आगे से आप देख रहे हैं तिकोनिया चौराहा आ चुका है, और ये देखिए तिकोनिया चौराहा है, बाईं ओर आर्मी के कैंप एरिया है, और हम जाएंगे सीधे। तो यहाँ पर जो है रोड थोड़ा इस टाइप की है, ख़राब है थोड़ा, तो यहाँ पर से कैमरा जोड़ा रोकना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से मुझे राइट मुड़ना है, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर से फिर ट्रैफिक हो जाता है, बस स्टेशन है वहाँ पे, बस डिपो है, तो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से हम वहाँ पीछे अटैच हो जाएंगे रोड में। और यहाँ देखिए ये वाली रोड जो है स्मूथ है, एकदम मुलायम है, अच्छी खासी है, तो यहाँ पे कैमरा हिलता नहीं है ज़्यादा, इसलिए ये शॉर्टकट भी है और अच्छा भी है। तो ज़्यादातर लोग इसे शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, वहाँ से फिर आप उसका घूमना पड़ता है, बस स्टेशन है जो रोडवेज बस स्टेशन है, वहाँ तक जाना पड़ता है, वहाँ से फिर इसके बाद अंदर के लिए कटना पड़ता है। ये आप देखिए मुझे लेफ्ट की साइड जाना है। तो ये रोड जो है शॉर्टकट के लिए भी अच्छी है, वैसे भी अच्छी है, ट्रैफिक भी कम ही रहता है इसमें, लेकिन मेन हाईवे है, हाईवे में तो ट्रैफिक रहता ही है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये है सफ़र, और मुझे लगा कि ये चीज़ दिखानी चाहिए आपको, तो इंटरेस्ट भी रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। ये देखिए सीधे चलना है मुझे, आई होप कि ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, बट कैमरा जो है रोकने का मन नहीं कर रहा है। तो सीधी रोड है बस, अब ये रोड आने वाली है जिस रोड में वो मुखानी वाली, जो मुखानी में टच होगी, ये रोड आ चुकी है, ये आगे से आप देख रहे हैं बैरिगेड लगाए, नहीं तो सीधे हम उस रोड में कनेक्ट हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ से भी जो है राइट की ओर लेना है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर राइट की ओर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो शॉर्टकट के लिए आए होंगे ये लोग सभी लोग, अब यहाँ से राइट लेना है। ये देखिए पहले जो था वहाँ पर से डायरेक्ट वहाँ पर बैरिगेड जो है वो खुला होता था, लेकिन जो सामने से आने वाली गाड़ियाँ उनमें भिड़ने की संभावना थी और होता पे था दिक्कत यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से मोड़ के फिर आगे जाना है, ये देखिए। और अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैं कौन सी रोड से आया था, ये जो आप ऊपर राइट, ये इस रोड से आया था, और ये बैरिगेड लगा हुआ है देखिए आप, दीवार भी नहीं है वहाँ पर। तो अब ये जो जहाँ को मैं जा रहा हूँ आगे मेरे को ये ले जाएगी रोड, वैसे मुखानी चौराहा वहाँ तक ले जाएगी, लेकिन मेरे को आगे तक नहीं जाना है। और यहाँ पर एक चौराहा मिलेगा, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और ये रोड लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं आगे को तो डॉक्टर शिशुला तिवारी हॉस्पिटल मिलेगा हमको देखने के लिए। और ये देखिए आप, ये है आपका स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति। और ट्रेन से देखिए आप राइट साइड में ऊपर देखिए, ये है ट्रेन से, और मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, अब यहाँ से मुड़ना पड़ेगा मुझे, ये देखिए, फिर यहाँ से और राइड लेना पड़ेगा,
मैं आज उस वाले रोड से आया, इसलिए अगर मैं इस वाले रोड से आया तो इसी रोड में मेरे को ही मिल जाता। अब देखिए लेफ्ट की साइड ये ट्रेन साहब हमको देखने को मिला, ये V2 है, एक स्टोरी भी है। अब ये आ गया ट्रेन साहब का, तो ये लेफ्ट साइड में ये ट्रेन से हो गया आपका, तो ये देखिए। और यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है और आगे से भी काफ़ी बड़ा एरिया है और स्टोर भी जो है काफ़ी बड़ा है अंदर से, आपने पिछले ब्लॉग में देखा। पहुँच चुका हूँ, काफ़ी जल्दी पहुँच गया, वैसे 10:40 या 45 या 50 हुआ होगा, मैंने देखा नहीं है टाइम। अब इसको जो है निकाल देते हैं, अब ये शॉर्टकट वाला लगा दिया, ये चीज़ मैंने तो सही है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहली बात है ये निकल जाता है इस तरह से, इसीलिए ये आसानी है, शॉर्टकट में लग जाता है। ये देखिए धूप जो है काफ़ी प्यारी आई है, वैसे आज भी मौसम जो है अब ठंड कम हो रही है धीरे धीरे, देखते हैं हम भी ट्रिप बना रहे हैं अभी धीरे धीरे।